Hello, good morning everybody, those who are watching me live from all over the world. Brother Muhammad Yaqub Belim, once again at, at your services. Uh, this is our brother. Salamun alayna, my name is Rakesh Kumar. Yes. I'm and today ah, you are doing LLB, we wish you good luck for that. And what are we going to discuss today? Nutrition and health fitness. Yes. yes okay uh, fitness and nutrition yes. uh, what is exactly the fitness and nutrition is so whatever we eat food becomes sugar then we have a glands in our body this uh, so we have a pituitary pineal thyroid parathyroid थाइमस, पाराथाइमस एड्रीनाल पैनक्रियास ओ पैनक्रियास इज अ वेरी वाइटल ग्लैंड ऑफ कोर्स पिच्यूट्री बिकॉज पिच्यूट्री इज द कैप्टन ऑफ ऑल द ग्लैंड एंड इट्स ऑपरेट ऑल द ग्लैंड सो नाउ मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द पैनक्रियास ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथिया है और इसकी जो मेन कैप्टन ग्रंथी है उसका नाम है पिचिट्री। वो कान की पट्टी के नीचे है, इसलिए बच्चों को कान में मारने कान के ऊपर मारने का नहीं, फ्रंटल कॉटेक्स सेंट्रल कॉटेक्स मेड्यूला वहां पर ब्रेन है तो यहाँ पर पिच्यू है वो पिच्यू को बच्चों को थप्पड़ नहीं मारने का वरना वो बच्चों की बढ़ोतरी में या कुछ भी होगा जैसे पिच्यू इज कैप्टन ऑफ ऑल द ग्लैंड जितनी भी ग्रंथियां शरीर के अंदर हैं मैं एक मरतबा आपको हिंदी उर्दू में भी दोहरा देता हूं है? जो मैंने अंग्रेजी में कहा कि मेन मेन कैप्टन कौन सी है पिचिट्री इज़ द कैप्टन ऑफ ऑल द ग्रंथी और सभी ग्रंथियों की कैप्टन है पिचिट्री पिनियल थाइड पाराथाइरोड थाइमस पाराथाइमस एड्रीनल पैनक्रियास ये पैनक्रियास नाम की जो ग्लैंड है ये बहुत ज्यादा जिसम के अंदर इम्पोर्टेंट है अभी मैं हम आपको बताएंगे फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के लिए फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के लिए तो फिट फिटनेस एंड न्यूट्रिशन क्या है ये अभी हम लोग जिम्नेजियम के अंदर हैं ये आप जिम्नेजियम देख सकते हैं ये गार्डन का जिम्नेजियम है इधर बहुत सारी मशीनरी लगी हुई है ये राकेश कुमार है हमारे साथ में ओके सो अभी हम डिस्कस करेंगे राकेश कुमार जी को हम बताएंगे कि फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एग्जैक्टली हमारे शरीर के अंदर जितनी ग्रंथियां हैं तो वो अल्लाह का गॉड का ईश्वर का ब्रह्मा का जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की मनुष्य को उत्तम योनि में प्रवेश किया जब अल्लाह ने पूरे कायनात की खलकत की तो इंसान को अशरफुल मखलूकात में बनाया समझ में आया वो जो संस्कृत में था हिंदी में था देवनागरी भाषा में था वो ही अरबी में ये है उर्दू में ये है क्या है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की तो मनुष्य को उत्तम योनि में बनाया अब मनुष्य को जब उत्तम योनि में बनाया उत्तम योनि में प्रवेश कराया तो ये मनुष्य के जिसम के अंदर तमाम किस्म की रचना की और वो बहुत बेहतरीन रचनाकार है है वो बहुत बेहतरीन चित्रकार है मुसवीर जिसको आप बोलते हैं है? वो अल्लाह दैट गॉड हैज क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग इन सच ए ब्यूटीफुल फॉर्म यू नो ही क्रिएटेड आवर बॉडी and all that what exists in the world in the heaven and in the earth above the heaven and in below the earth you know inside the sea ocean and uh, uh, he's the greatest creator so now today we learn about hello beta how are you okay these are our sisters those who are at the garden now uh, today we are talking about fitness and nutrition तो so, ये जो फिटनेस एंड न्यूट्रिशन है हमको हमारे शरीर को समझना चाहिए वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर ओन बॉडी यू मेक ब्लैंडर मिस्टेक्स बाय ईटिंग जंक फूड और व्हाट्स ओ एवर ओके राकेश यू हैव टू एंटिसिपेट विद मी सो अभी आपको पता चला कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो ब्रह्मांड ने जिस ब्रह्मांड की रचना की उत्तम योनि में हमको प्रवेश किया मगर हमें अकल भी दी तो हमने उस अकल का इस्तेमाल करना है कुछ भी खाना ही लेने का फिटनेस एंड न्यूट्रिशन में आता है आई डीड दिस कोर्स फ्रॉम अमेरिका आई एस आईसीएस इंटरनेशनल करस्पॉन्डिंग कॉलेज सो आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ दिस आईसीएस कॉलेज एंड इट इज इन क्रेंटन यूएसए

हम जो भी खाना खाते हैं वो शक्कर बन जाती है वो शक्कर को हमारी जो पिचिटरी ग्लैंड है जो कैप्टन है वो तमाम ग्लैंडों को ग्रंथियों को ऑपरेट करती है जिसमें पैनक्रियास क्रियास मेन है पैनक्रियास क्रियास ग्लैंड मेन है पैनक्रियास क्रियास का काम क्या होता है अल्लाह के हुक्म से ब्रह्मा के हुक्म से जिसको आप ब्रह्मा कहते हैं अल्लाह को गॉड के अमर से बाई दी ऑर्डर ऑफ़ द गॉड लॉर्ड अलमाइटी उसके अमर से उसके हुक्म से आ, वो पैनक्रियास में से एक इंस्यूलिन नाम का स्त्राव होता है सेक्रेट्स सेक्रेट इंसुलिन वो इंसुलिन हमारा जो खाने में से शक्कर बनी है उस शक्कर को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में किसमें ग्लाइकोजन।, ग्लाइकोजन में और वो ग्लाइकोजन फिर दोबारा स्त्राव होता है सेक्रेशन होता है पेनक्रियास में से इंसुलिन का तो वो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है किस में ग्लूकोज ग्लूकोज में तो पैनक्रियास में से जो स्त्राव होता है सेक्रेशन होता है इंसुलिन नाम का वो फिर वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एडीपी व्हाट? एडीपी एडीपी इज अ दिस इज अंक्रीनॉम ऑफ फुल फॉर्म इज दिस एड एन असाइन एड एन साइन ड्यूएल ड्यूएल फॉस्फेट फॉस्फेट अब वो जो और सेक्रेशन होता है तो ये जो एडोनासाइन ड्यूएल फॉस्फेट है और जो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन था शक्कर थी शक्कर का ग्लूकोज ग्लाइकोजन और एडोनोसाइन ड्यूएल फॉस्फेट अभी होगा उसका एड एन असाइन ट्राई फॉस्फेट क्या होगा एटीपी एटीपी मीन्स एडानसाइन ट्राइफेट जो भी आपने खा लिया वो शक्कर बनेगा अगर वो आपने बर्न नहीं किया वो जो उसकी बनेगी कैलरी एक नाप है एक माप है एक मिकास है एक मिजान है उसको नापने के लिए कैलरी बोलते हैं क्या बोलते हैं हमारे शरीर में एक प्रौढ़ व्यक्त यानी एक जवान एक एडल्ट को दो दो से ढाई हजार कैलरी चाहिए दो से ढाई हजार कैलरी चाहिए ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए अगर आपने तीन साढ़े तीन हजार कैलरी ले ली इनटेक की और उसको बर्न नहीं किया जलाया नहीं एक्सरसाइज नहीं की, अपना काम नहीं किया चले नहीं फिरे नहीं दौड़े नहीं साइकिल नहीं चलाई है, है तो वो फैट बन जाता है क्या क्या बनता है फैट बनता है तो आ, उसमें अच्छा फैट भी होता है बुरा फैट भी होता है हमारे शरीर में जो अच्छा फैट है वो हमारे शरीर को जरूरत है जो बुरा फैट है वो हमें नुकसान पहुंचाएगा चर्बी जिसको बोलते हैं शिहम जिसको बोलते हैं अब हमने उतनी कैलरी लेने की जितनी हमें जरूरत है एक्सेस कैलरी लेने की नहीं समझ में आया तो खाना वो खाने का जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाए तो तीन किस्म के खाने हैं थ्री काइंड ऑफ फूड्स आर देर आई डोंट नो अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड वेदर दे नोज और दे डोंट नो बट दिस एशियन पीपल दे नोज बिकॉज दिस इज अवर ओल्ड संस्कृति थ्री टू फोर थाउजेंड ईयर्स ओल्ड संस्कृति हमारी तीन से चार हजार साल पुरानी संस्कृति है तो हमारी संस्कृति के अंदर क्या आता है तीन किस्म के खाने होते हैं एक है सात्विक सात्विका राजोग नो uh, no, सात्विक फूड हा मीन्स प्योर फूड दूसरा आता है राजसी फूड <laughs> यानी जिस प्योर फूड में क्या आएगा वेजिटेबल फ्रूट फ्रूट जूस ऐसा प्योर वेजिटेबल्स हाँ दूसरे में आएगा जो राजसी है जिसमें मिर्च मसाला है और तड़का वड़का और ऐसा सब लगाते हैं आप लोग उसको भूनते हैं रोस्ट करते हैं सब खाना बना तीसरे में आएगा तामसी यानी सात्विक राजसी और तामसी तीन किस्म के खाने हो गए अब तीसरा जो खाना है वो है तामश यानी जिसमें नॉन वेज है और वाइन और ऐसा सब शराब वगैरह है और सब सब गंदी चीजें एकदम गलित चीजें अब मैं मुसलमानों को बताऊं 99% मुस्लिम्स परसेंट मुस्लिम दे डोंट नो वेन प्रॉफ़िट मोहम्मद माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का अल मुकरमा टू मदीना अल मुनवराज जर्नी टू फाइव डेज लेट्स से फोर टू फाइव डेज सो वेन ही वॉज गिवन फूड द फर्स्ट फूड राकेश यू आर नॉट विद मी नो यू आर नॉट विद मी एंड दिस वीडियो इज फॉर यू यू गॉट टू बी विद मी ओके

और वेजिटेबल को नौश फरमाया वेजिटेबल खाना खाया तो हमारे तीन किस्मों के खाने के अंदर सात्विक फूड राजसी फूड एंड फूड तो सात्विक फूड वेजिटेबल खाना है हैं फ्रूट्स है फ्रूट जूस है और राजसी फूड में मसाला मिर्च मसाला तड़का है तामस फूड में क्या है नॉनवेज हैं और वाइन वगैरह हैं और हर वो जंक फूड है तो तीन किस्म के खाने हो गए सात्विक राजसी और तामसी तो हम लोग क्या करेंगे हमारा आहार शुद्ध होगा तो शुद्ध शरीर शुद्ध होगा शरीर शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे विचार शुद्ध होंगे तो आत्मा शुद्ध होगी तो हम लोग क्या करेंगे हमारा जो ये है खाने का सिस्टम वो चेंज करेंगे सबसे पहले खाने का सिस्टम चेंज करने का जो कैलोरी आपने इंटेक कर ली है वो कैलोरी को जला देने की एक्सेस कैलोरी नहीं लेने की और नो कंसेंट्रेट ऑन दिस वीडियो ओनली डोंट लुक अराउंड एंड बिकॉज वीडियो कैमरा डोंट लुक अराउंड ओनली कंसंट्रेटिंग ओके सो हम क्या करेंगे कैलोरी उतनी लेंगे जितने हमारे शरीर को जरूरत है ये कैलोरी अगर एक्सेस भी हो गई तो हम वो कैलोरी को जला देंगे दैट लरी वी विल बर्न सो 24 घंटे में आपकी जो कैलरी आती है आप जो इंटेक करते हैं खाना वो अभी मैंने आपको सिस्टम और प्रोसेस बता दिया कि क्या होता है अभी हम बताएंगे कि संस्कृत में उसको क्या बोलेंगे संस्कृत में एक योग शास्त्र में श्लोक आता है कि आपके पेट के दो हिस्से कर चार हिस्से करें दो भागो अन्न परिपूर्ण देश कम अपने पेट के दो हिस्से खाने के लिए परिपूर्ण पूरे करें भरे मेक फोर पार्ट ऑफ योर एब्समक टू फॉर फूड तृतीय थर्ड वन फॉर वॉटर वेलम पानी नीरू जूस आब मा ऑल दिस इज वॉटर थर्ड पोर्सन फोर्थ वन फॉर वह चतुर्था शेष्यतः और चौथा वाला हिस्सा शेष्य रखेंगे संस्कृत में शेष्यतः यानी शून्य खाली रखना फिर पूछा उनसे कि खाली क्यों रखना है तो ये योग शास्त्र का जो 4000 साल पुराना श्लोक है उसमें आया के वायु संचारणार्थ हमारे शरीर के अंदर हवा के हलन चलन के लिए चौथा वाला हिस्सा हम शून्य रखेंगे यही श्लोक अरबी भाषा में भी है मगर मुसलमानों को इसके बारे में इल्म नहीं है वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं तो वो क्या है पैगंबर मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं उनके जो अनुयायी है खुल्फाइ राशिदीन है जिनका नाम अमर है अमर अल खत्ताब वो कह रहे हैं कि प्रोफेट मोहम्मद वसल्लम ने फरमाया पीस एंड ब्लेसिंग अपॉन हिम के मेक थ्री इक्वल पार्ट ऑफ योर बॉडी इफ मेक थ्री इक्वल पार्ट ऑफ योर स्टमक पेट के तीन हिस्से कर दें महर्षि पतंजलि के योगशास्त्र में क्या आया चार हिस्से कर दें और तीन हिस्सों में कैसा सिस्टम बताया चार हिस्सों में पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट आएगा तीन हिस्सों में थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट आएगा यही श्लोक जो संस्कृत में है ये अरबी भाषा में भी है एक साल पहले वो इस तरह से है सुलुसीली तामी पेट के तीन हिस्से करके एक तिहाई हिस्सा खाने के लिए ताम ताम यानी खाने के लिए रखें दूसरा एक तिहाई हिस्सा ली शराबी शराब यानी शराब नहीं अरबी में शराब यानी पीने को बोलते हैं पानी वाटर जूस उसके लिए वह सुलुसिली नफसी जो महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में आया वह चतुर्था या शेष सेम चीज अरबी में भी है वसूल नफसी नफ़स नाफस यानी हवा हवा के लिए तीसरा हिस्सा खाली छोड़ दें महर्षि योग शास्त्र में है के वायु संचारणार्थ है हवा के हलन चलन के लिए तो ये आज का हमारा सेशन था योग का और फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का था वंस अगेन आई I would like to tell you all people that I have done this fitness and nutrition course from I studied it from International Correspondence School, College, from Crenton, USA. So whatever I have spoken, no one doctor will give you in such a detail. And this is free. Oh my friend, I'm not charging you anything. You understand? Share it to the people. Let the have people benefit out of it thank you very much rakesh would you like to say something to our this was a wonderful session i know the, the, what is the actual human body system how it is works I a lot of things thank you thank you very much okay bye good everybody bye good day to you everybody and say hello to people okay thank bye. you